हेलो दोस्तों, काशी की अपना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को मकर संक्रांति, लोहड़ी की, खिचड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। तो ये ब्लॉग आज का है, यानी कि 14 तारीख का। तो 14 तारीख को भी बहुत जगह खिचड़ी बनती है, लेकिन कल मेन मकर संक्रांति का तिथि शुरू हो रहा है कल सुबह से। तो कल मेरे यहाँ बनेगा, लेकिन खिचड़ी दोनों दिन मेरे यहाँ बनती है। तो त्यौहार तो है, आज भी था और कल भी बनेगा, तो दोनों दिन खिचड़ी बनेगी और लोग खाएँगे। एक यही त्यौहार ऐसा है जिसमें बहुत पकवान की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सादा और बहुत ही अच्छे तरीके से खाना बनता है, जिसको कच्चा खाना हम लोग कहते हैं। तो हमेशा त्यौहार में लोग कहते हैं, अरे त्यौहार है तो इसमें पूड़ी बनना चाहिए, छन्ना चाहिए, बनना चाहिए, पकवान बनना चाहिए। लेकिन एक यही त्यौहार है जिसमें बिल्कुल सादा भोजन बनता है और जिसमें दाल चावल चोखा ये सारा चीज़ होता है, पट्टी होता है, तिल होता है, डुंडा होता है, और ये सारा चीज़ लोग खाते हैं, स्नान करने जाते हैं, दान देते हैं, दक्षिणा करते हैं। फिर उसके बाद घर में पूरी परिवार साथ में मिल के भोजन करता है और पतंग उड़ाते हैं। जिनको आता है वो पतंग उड़ाते हैं, जिनको नहीं आता है वो बस बैठे बैठे देखते हैं और खुश होते हैं। चारों तरफ इतना गाना बजाना बजता है, बाघ काटे की आवाज़ चारों तरफ से आती है। बहुत ही मस्त और बहुत ही बढ़िया ये त्यौहार भी लगता है, और ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए है। जो बैठ के देखता है वो भी आनंद लेता है इस त्यौहार का। तो ये त्यौहार बहुत अच्छा है। तो हम लोग के यहाँ जो भी त्यौहार मनते हैं बड़े हर्षोल्लास से मनते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो सुबह हो गई थी, सारा काम वगैरह कर लिए थे और यहाँ दोनों बेटे बैठ के नाश्ता कर रहे थे। तो हम इन सबों का जब वीडियो बना रहे थे तो इन दोनों को पता नहीं था, और ये दोनों देखिए बैठ के नाश्ता कर रहे थे। उसके बाद हम आ गए थे अपने लिए नाश्ता बनाने। तो नाश्ते में आटा लिए थे, सादा आटा साने थे। तो उसके बाद बड़ी सी लोई लिए और उसका रोटी बेल दिए, उसमें लगा दिए थे देसी घी और नमक। इसमें आप रेड चिल्ली पाउडर, जीरा, कसूरी मेथी ये भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाइए बहुत अच्छा लगता है। जो हरा लहसुन आता है, हरे लहसुन को, हरे धनिया को, हरी मिर्च को बहुत बारीक बारीक काट दीजिए। काटने के बाद आप किसी भी शेप में इसको बना दीजिए। तो हम इस तरीके से बना रहे हैं, और इसमें घी ज़्यादा लगना चाहिए। पराठे हैं, पराठों में अगर घी ज़्यादा ना लगाइए तो पराठे अच्छे नहीं बनते हैं। तो ये ठंडी में मेरा फेवरेट पराठा है, जब हमें बहुत भूख लगती है तो हम इस तरीके का पराठा बनाते हैं। और थोड़े जल्दी में थे इसलिए बहुत बारीक नहीं काटे थे हरा लहसुन और हरी धनिया, लेकिन बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। गर्मा गर्म पराठा और गर्मा गर्म अदरक और काली मिर्च की चाय थी। तो ये था आज मेरा नाश्ता। तो जब बनाने लगे तो देख के बच्चे भी कहने लगे, हमें भी खाना है, उन लोगों को भी बहुत ही पसंद आता है ये वाला पराठा। तो ठंडी का दिन है तो ठंडी में तो यही है, तरह तरह का चीज़ आप खाते रहिए, क्योंकि एक से एक चीज़ आता है ठंडी में ना, तो बहुत ही टेस्ट बढ़ जाता है खाने का। तो हरा लहसुन बहुत ज़्यादा आता है, धनिया आता है, हरी मिर्च आती, तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये पराठा जब मेरे बच्चों को भी पसंद आती है, तो इसमें आप लेयर देख सकते हैं कि कितना बढ़िया लेयर निकला है, और बहुत ही क्रिस्पी बन के ये पराठा तैयार हुआ है, जो नमकीन भी है और तीता भी है। जब हरा मिर्च मुंह में आता है ना तो गजब का स्वाद लगता है। तो इसको आप अचार से भी खा सकते हैं, दही से भी खाइए, दही से तो और भी बढ़िया लगता है। तो इसको हम चाय से खा रहे थे। तो ये हो गया था हम लोगों का नाश्ता। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लेयर कितना बढ़िया है। तो आप किसी भी शेप में बनाइए इसको, लेकिन घी थोड़ा ज़्यादा लगाइए पराठे में, तभी बढ़िया बनेगा, नहीं तो इस तरीके से नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर हम ये लहसुन डाले हैं, हरी मिर्च डाले हैं, हरा धनिया डाले हैं, आप जीरा डाल दीजिए, रेड चिली पाउडर डाल दीजिए, रेड चिली पाउडर का भी बनाते हैं जिसमें जीरा डालते हैं, अजवाइन डालते हैं, या जिसको आप लोग कलौंजी बोलते हैं उसका भी पराठा हम बनाते हैं। तो पराठे बहुत तरीके का हम बनाते हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। फिर यहाँ तो हम लोगों का नाश्ता हो गया, लेकिन मेरे हस्बैंड को इसकी घुघरी खानी थी। तो यहाँ पर हरे मटर, थोड़ा सा आलू, हरी धनिया, हरी मिर्च, हरा लहसुन ये सारा चीज़ लेके तेल में, सरसों के तेल में जीरा मिर्चा नमक लाल मिर्च बस इतना ही डाल के धीमी आंच पे ढक दिए, और बहुत ही टेस्टी
ये घुघरी भी बनके तैयार हो गया। तो थोड़ा ज़्यादा बना लिए थे कि शाम को भी थोड़ा इसको गर्म करके नाश्ता हम लोग चाय से कर लेंगे। तो यहाँ हस्बैंड को ये घुघरी बहुत ही पसंद आती है, तो उनके लिए ये घुघरी भी तैयार हो गई। उड़द के दाल की खिचड़ी जो आज की के दिन खाने का है, इसमें डालेंगे थोड़े से आलू है, गोभी है और मटर है, और इसको चल रहे हैं छौंकने। ये है देसी घी और डाल रहे हैं जीरा, इसमें जीरे का तड़का लगेगा, हरी मिर्च डाल दिए हैं और डालेंगे हींग, डाल देंगे इसमें गोभी आलू। एक साइड में बना रहे हैं बैंगन का भरता, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी कर देंगे। पानी, आप लोग भी खिचड़ी बना रहे होंगे, खिचड़ी मेरी बन के रेडी हो गई है। बस एक बस इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी कम लग रहा है। बैगन भूज रहे हैं क्योंकि खिचड़ी से हम लोग के यहाँ बैगन भी, बैगन का भरता भी खाया जाता है। ये बन गया चटपटा उड़द के दाल की खिचड़ी, जो खिचड़ी के दिन खाई जाती है। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा आप लोगों को। ढेर सारा मटर पड़ा है और देसी घी का छौकार लगा है इसमें। बहुत ही बढ़िया खिचड़ी बन के तैयार हुई है, खुशबू बहुत गजब की आ रही है। ये देखिए तो ये वाली जो खिचड़ी है, इसको आप नए चावल के साथ बनाइए तो ये खिचड़ी बहुत ही बढ़िया बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो हम तो नए चावल के साथ बना रहे हैं, आप लोग को जो चावल पसंद हो उससे बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये पापड़ भी तल रहे हैं, तो पापड़ बिना तो खिचड़ी का स्वाद बिल्कुल अधूरा होता है। तो खिचड़ी बिल्कुल बन के तैयार हो गई, दो सीटी में पकती है मेरी ये वाली खिचड़ी। एक तेज़ आँच में लगाते हैं, एक थोड़ी सी मीडियम हाई फ्लेम पर। तो ये देखिए कितना बढ़िया, और कितना बढ़िया खुशबू भी इसका आ रहा है। तो ये खिचड़ी मेरी बन के रेडी हो गई है। यहाँ बना लिए थे मूली का रायता और आलू बैंगन टमाटर का चूखा। तो आज आलू ज़्यादा नहीं डाले थे, तो बैंगन और टमाटर का हरी लहसुन हरी धनिया डाल के चूखा बन गया था। और यहाँ पे अचार है, पापड़ है, देसी घी है, दही है। तो इन सबों से ही पापड़ अच्छे से खाना तल दिए हैं, और ये दही है। तो ये हो गया हम लोगों का आज का बहुत ही बढ़िया खिचड़ी वाला खाना, जो बहुत टेस्टी बना था और सबको बहुत ही पसंद आया। आप लोगों को कैसी लग रही ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा। तो खिचड़ी खाइए, उसमें घी ना हो तो खिचड़ी का स्वाद भी बिल्कुल बेकार होता है। तो खिचड़ी में ढेर सारा घी डालिए। कहावत बोलते हैं, खिचड़ी के अचार यार, दही पापड़ घी अचार। जी हाँ, खिचड़ी में जब तक ढेर सारा घी ना हो, अचार ना हो, घी ना हो, पापड़ ना हो, तो खिचड़ी बिल्कुल भी बेकार लगती है खाने में। तो ये कहावत मेरे पापा बिल्कुल सही बोलते हैं, खिचड़ी के अचार यार, दही पापड़ घी अचार। तो ये लग गया है खिचड़ी वाले दिन की खिचड़ी। आप लोग को रेसिपी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, बहुत ही टेस्टी बनी है। आपको रेसिपी आज की कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत ही टेस्टी खाना बन के आज दोपहर का रेडी हो गया है, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी खिचड़ी, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छी अच्छी टेस्टी खिचड़ी के साथ। चलते हैं खाना खाने। मैं अपने हस्बैंड को खिचड़ी देने, जो बहुत ही टेस्टी बनी है। ये लीजिए खाइए और बताइए कि खिचड़ी वाले दिन खिचड़ी कैसी बनी है।
अच्छी है, टेस्टी है। ये है आज का भोजन। तो बहुत पसंद आई। अब हम चल रहे हैं खाने, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों से लगी है। तो आज का चोखा भी बहुत ही टेस्टी बना था, क्योंकि इसमें हरा लहसुन डालते हैं, वो बहुत ही मेरा फेवरेट है हरा लहसुन। इसमें हरा प्याज भी आप डाल सकते हैं। खिचड़ी बहुत अच्छी बनी थी, और सलाद, अचार, पापड़, दही, दही में काला नमक और रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा जीरा डाल दिए थे। खिचड़ी से बहुत ही बढ़िया लगता है दही। यहाँ पर खाना सबका रेडी हो गया, और बहुत ही शांति वाला त्यौहार बहुत अच्छे से मना, बहुत अच्छा लगा। आप लोग का कैसा त्यौहार गया ज़रूर बताइएगा। अभी त्यौहार तो कल बाकी है। और एक ये छोटा सा बाबू है जो पूरे छत पे दिल वाला बैलून लेके उड़ा रहा है और बड़े मस्ती में खेल रहा है। ये मेरे भाभी का छोटा सा बाबू है, ये देखिए कितना खेल रहा है और बहुत ही मस्ती कर रहा है ये। तो इस तरह से आज का ये दिन मेरा गया, बहुत ही अच्छे से गया, बहुत खुशी से गया। बच्चे भी बहुत अच्छे से त्यौहार को मनाए हैं, खुशी खुशी मनाए हैं। आप लोग क्या कैसे त्यौहार हुआ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये छोटा सा बाबू बहुत ज़्यादा खेलता है, बहुत ही प्यारा है।